क्या हुआ? चाय पानी पिलाना है लेबर कोर्ट में चले आता मसला है भाई नाम बोल लेता बोले भाई कौन है रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट से आने वाले रमज़ानुल मुबारक की सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट सालाना अनाज तकसीम चांद रात से पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि आज कल जो हवा चल रही है कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंस उसकी तरफ से, क्योंकि ट्रस्ट एक ही दिन चांद रात में पूरे कैंडिडेट कार्ड होल्डर्स को अनाज तकसीम करता था। वो पब्लिक बहुत होने की वजह से रोज़ाना जुमे से घंटे को 10 से 15 लोगों की फ़ोन कर बुला कर दे रहे हैं। इस तरीक़ेकार से अब के भी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट से 1500 फैमिली इस्तीफ़ा उठा रहे हैं। ये अल्लाह पाक का करम है मेरे सरकार के सदक़े में। ये अल्लाह अल्लाह के रसूल के खुशनवेदी के लिए रमज़ान के रोज़दारों की खिदमत के लिए है। कुछ साल से कंटिन्यू चल रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो आगे भी ये खिदमत बरकरार रहेंगे। आने वाले टाइम बहुत हालात ख़राब है, आप लोगों से एक ही इंतजा है, सोशल डिस्टेंस रखिए, हाथ मुंह सब साफ रखिए, हाथ बार बार धोइए और लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए। रमज़ान में भी एहतियात में रहिए, इफ्तार के टाइम पे रात में लोगों से मिलने जुलने में भी एहतियात रखिए। सिर्फ एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है, बाकी और कुछ नहीं। इस वक्त सिर्फ इंसानियत का ही तकाजा है कि अल्लाह पाक के तरफ से बस रहम का मामला मानिए, क्योंकि ना दवा है ना कुछ है, सिर्फ इंसानियत ही काम आने वाली है। और हर आदमी से एक ही रिक्वेस्ट है, एक आदमी के लिए इंसानियत बरकरार रखें। अस्सलाम वालेकुम।